देखा समय भैया, आज न चाहिए हमने आपकी पहली विश पूरी कर दी, हमने बेस्ट फ्रेंड बना लिए। पता है उनका नाम क्या है? शमनीक भैया, बहुत ही अच्छे है। सुपर हीरो मिलेगा कहाँ? अरे समुद्र की अगली विश जो पूरी करनी है। सुपर हीरो तो भैया वो तो फिल्म में आता है ना, अरे जो लाल कपड़ा में इधर उधर कूदता फांदता रहता है। शंकर भैया ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, गुनगुन बिटिया की ख्वाहिश है सुपर हीरो से मिलने की। वो अंग्रेजी में कहा कहते अरे ऑटो वाले भैया, कचहरी चलोगे? हाँ हाँ भैया बैठिए ना। हाँ साहब जी, आप पढ़े लिखे लगते हैं, आप बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल पूछें। हाँ हाँ पूछो भैया जी, सुपर हीरो का होता है? सुपर हीरो वो जैसे फिल्मों में जैसे हीरो होते हैं ना, वैसे ही सुपर हीरो होते हैं, बस आम हीरो से ज्यादा तेज और ताकतवर होते हैं। हीरो 10-15 गुंडों से अकेले ही लड़ लेता है, लेकिन सुपर हीरो 100-150 को अकेले ही निपटा देता है। सुपर हीरो हवा में उड़ भी सकता है और आग में बिना जले निकल भी जाता है। आप भैया जी, सुपर हीरो कहाँ मिलेगा? अगर कोई मिलना चाहता हो तो बस मुझे साइड में। हाँ सुपर हीरो अगर तुम्हें मिल जाए तो मुझे भी मिलाना, ये लो। अरे बस रख लो। जय राम जी। भैया जी, आप किसी सुपर हीरो को जानते हो का? अरे भैया जी, ओ भैया जी। हाँ भैया। इंजीनियरिंग कॉलेज जाना है ना? हाँ। अरे भैया, अमीनाबाद चलोगे क्या? हाँ हाँ मैडम जी बैठिए ना। मैडम जी एक बात पूछ सकते हैं? हाँ। आपका ये बिटुआ कोई सुपर हीरो को जानता है का? क्या सुपर हीरो? सुपर ड्राइवर अंकल, हमें सब पता है सुपर हीरोज के बारे में। सुपर हीरोज बहुत अच्छे होते हैं और वो गंदे लोगों को मार के हमें बचाते हैं। ये देखो मेरा फेवरेट स्पाइडरमैन, ये पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। और इतना ही नहीं, ये तो टीवी पर भी आता है और मैं रोज देखता हूँ घर पे स्पाइडरमैन का सीरियल। तो जरा हम देख सकते हैं का? हाँ हाँ देखिए। तो ये है स्पाइडरमैन। क्या कहे? स्पाइडरमैन? स्पाइडरमैन नहीं, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। ये सुपर हीरो है स्पाइडरमैन, इसे ही तो मिलना है। याद करो मैंने अपनी डायरी में भी लिखा था, ये हमेशा जाले वाले कपड़े पहनते हैं, इसीलिए तो इनका नाम स्पाइडरमैन है। अरे शांत रहो, जल्दी आओ। जल्दी क्या हुआ गुड़िया, क्या हुआ? लो बोलो, तुम तो मुस्कुरा रही हो, अब बोलोगी हुआ का? बैठ रहे बैठ रहे। अरे बोलो,
अमित्या का फेवरेट सुपर हीरो है। वैसे सभी बच्चों का है और हमें भी अच्छा लगता है। अरे चीनी मारा तो बड़ी कलाबाजी कर रहा है। के विश भी थी सुपर हीरो से मिलने की। और वैसे भी उनका फेवरेट सुपर हीरो तो सबसे अच्छा होगा ना। हाँ बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है जरूर मिलाए देंगे, लेकिन तब तक तुम टीवी देखो, हम रसोई संभालते हैं। हाँ और हाँ सुनो, ऐसा चिल्लाना मत, हम घबरा जाते हैं। ठीक है। वो हमको ना इधर 2 मिनट का बहुत जरूरी काम है, हम बस यूं गए और यूं आए। आप रुक सकते हैं ना भैया, थोड़ा जल्दी करना। हाँ भैया बस जल्दी आते। अरे भैया जी। हाँ भैया जी, हमें पूछ वो क्या वो सुपर हीरो क्या तो कपड़े हैं? ये सब सुपर हीरो के कपड़े खरीद। भैया जी ये जो है ना। अरे सुनिए इधर आइए, उसको मत कहिए, इधर आइए। क्या सुपर हीरो जो बना हुआ है ना, ये चाहिए 3000। का 3000 ये के लिए? भैया ये स्पाइडरमैन की ड्रेस है, बाजार में ढूंढने निकलोगे ना तो मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो 3000 से कम बिल्कुल नहीं मिलेगा। अरे भैया हमको खरीदना नहीं है, 1 घंटे के लिए इनको लेके जाना है घर पे। हमारी बिटिया बस इनको मिलना चाहती है, एक बार मिल ले फिर हम इनको वापस ले आएंगे। क्या मजाक कर रहे हैं भाई साहब, ये कोई दिहाड़ीदार थोड़े ही है जो नाचते गाते आपके घर चलाएगा। ये स्पाइडर मैन की ड्रेस है, ये वो सुपर हीरो है ना जो टीवी में आता है, जी को देख के बच्चे खुश होते हैं, चाहते हैं उनको। बस हमारी बिटिया मिलना चाहती है, हम जैसे लेके जाएंगे वैसे ही वापस छोड़ देंगे इनको। अरे खुदा के बंदे, ये फिल्मी कहानियां है, स्पाइडर मैन वगैरह थोड़ा ना होता, कोई सुपर हीरो थोड़ा ना होता है कोई। बच्चे बच्चे ये कपड़े लेके जाते हैं स्कूल में ड्रामा में। अच्छा भैया कुछ। हेलो भैया, लेट हो रहा है। भैया बस 2 मिनट हमारा। भैया 2 मिनट बोल के आए थे आप, क्या रात निकालनी है? चलना है चलो वरना मैं दूसरा ऑटो। अरे नहीं नहीं भैया रुकिए, हम तनिक 2 मिनट भैया, आपको कोई कार्ड वगैरह है? कार्ड? हाँ मिर्जा गालिब, आज तुम्हारी गराज की बगिया सुनी सुनी खाए लग रही है, कोई ग्राहक नहीं आया सुबह से? अरे गुरु ग्राहक तो मारो बम के गोले, आगे हमारे भोले, कैसे हो भोले भंडारी? अरे बहुत बढ़िया है। बैठो बैठो बैठो। इसका न्यूज़पेपर में कहाँ पढ़ रहे हो, तुमको पढ़ना तो आता नहीं, फोटो देख रहे हो कहाँ? अरे गुरु टाइम पास कर रहे हैं, अब क्या करें, सुबह से बोनी बट्टा ही नहीं। एक मिनट एक मिनट, क्या बोले तुम? तुम्हारे गराज की बगिया में सुना सुना का है? नहीं 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 नहीं, उसके पहले का बोले? ग्राहक नहीं आया। ओ मिर्जा गालिब, हाँ हमारी पूरी बस्ती में एक ही तो कमाल का शायर है, अब तुमको मिर्जा गालिब ना कहे तो का नत्थू हलवाई का है? ये हुई ना बात। ये बात पे तड़कती तड़कती सारी। हाँ हाँ इरशाद इरशाद इरशाद, बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप आए बाहर आई? आप आए बाहर आई? नहीं नहीं नहीं, आप आए बाहर आई? ओहो बाहर आई। हाँ आप आए बाहर आई, आप बैठे दरार आई। भैया जो दरार है ना, गिर के निकल गई पूरा अंदर से। बहुत ही बढ़िया, आप आए बाहर आई दरार आई। ओह मेरी बात सुनो बे, ओवर एक्टिंग मत करो। अरे सच कह रहे हैं भैया, ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे। गुरु तुमको ना बचपन से जानते हैं, जब तुम हमारी शायरी की तारीफ करते हो ना, इसका मतलब होता है कि तुमको हमारे से कुछ काम है। दाल में जरूर कुछ पीला है। हमारे दाल में काला होता है भैया, पीला नहीं होता। अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ काम क्या है? भैया हमको सुपर हीरो के बारे में बताया था ना। हाँ वो जला वाला आदमी। हाँ जला वाला आदमी जो भी भैया, तुमको तो पता है कि वो कोई सुपर हीरो वीरो होता है नहीं। हाँ एक साधारण सा आदमी होता है, वो कपड़ा पहन के फुदकता है पानता है और बच्चों को खुश करके निकल जाता है। तो हमने जो है वो सुपर हीरो के कपड़े का इंतजाम कर लिया। कपड़ा पहनेगा
कौन है? नहीं नहीं पगला गए हो क्या? अरे हम वो सुपर हीरो वाला कपड़ा नहीं पहनेंगे। अरे काहे नहीं पहनोगे? 10 मिनट की बात है, आना कूदना फांदना निकल जाना। अरे गुरु बात 10 मिनट की नहीं है, हम 10 सेकंड में चले जाएंगे। अरे हमको तो पता भी नहीं सुपर हीरो कैसे कूदता है, कैसे फांदता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, हमें कुछ भी नहीं पता। अरे चुप, वो सब का इंतजाम हम कर दिए। अरे वो सुपर हीरो है ना, उनकी फिल्म लगी हुई है, वो भी दुई शो। अब देखो हम उनकी टिकट भी लाए तुम्हारे, सिर्फ उधर जाना फिल्म देखना, वो कैसा कूदता है, कैसा फांदता है, खाता है, पीता है, नहाता है, धोता है, सब सीख के आ जाना। और एक बार में समझ में आया ना तो दुई बार। अरे गुरु काहे में फंसा रहे हो यार? हमारी में फंसाने का बात है, हम भी तो वहाँ होंगे। अरे नहीं नहीं हमसे ना हो पाएगा। अब शंकर तुमको पहली बार जिंदगी में डरते हुए देख रहे हम। अरे भैया पूरी दुनिया को तुम पे विश्वास हो ना हो, हमको तुम पे विश्वास है, तुम कर लोगे भैया, पक्का कर लोगे। लाओ कब का सोया है दिखाओ। 3 से 6 6 से 9 देखते हैं। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? हम कब से तुमको फोन कर रहे हैं। हाँ देखो परसों रविवार है, तुमको टाइम पे आ जाना, तुम कुछ गलती मत करना भैया, देखो हमारे किए किराए पे पूरा पानी फेर दोगे। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम्हारे पास शोर बहुत है भैया, सुनाई नहीं दे रहा का। हाँ ठीक है रख रहे अभी, तुम जो बोले वो करना बस। किसे बुला रहे तिवारी जी? हमको तो कभी ऐसा न्योता नहीं दिया कि समय पर आ जाना करके। जैसे कि तुम्हें नहीं बुलाएंगे तुम नहीं पहुंचोगे। देखो बिना न्योते के तो हम भगवान के घर भी न जाए, है तिवारी जी? क्या बात है शांति देवी, आज बहुत तिवारी जी हो रहा है। कोनो काम है तो ऐसे ही बता दो, हम ऐसे ही कर देंगे। काहे तिवारी जी सिर्फ आपको लफंगा दोस्त बुला सकता है आपका, और कोनो जन आपको इज्जत दे तो हजम नहीं होता है का? नहीं होती है। और तुम काहे शंकर के पीछे हाथ धो के पड़े रहती हो, काहे उनको बुरा भला कहती हो? बहुत ही बढ़िया इंसान है, दिल का बहुत साफ है, वो यारों का यार है, जेंटलमैन है। माना कि कहने सुनने में थोड़ा सा कड़वा है लेकिन दिल का अच्छा आदमी है। अच्छा अच्छा तिवारी जी, तो ये बताइए आपका वो 1008 अवतार वाला शंकर जी मकाने दरबार में आज हाजिरी देने आ रहा है का? हमारा नहीं, का है ना गुनगुन बिटिया को सुपर हीरो से मिलना है, तो हम सुपर हीरो के कपड़े का एक जुगाड़ बिठाए, थोड़ा महंगा था लेकिन हम ले लिए। का है ना सुमित बाबा सुपर हीरो से मिलना चाहते थे, उनकी विश थी और गुनगुन उनको पूरा करना चाहती, तो गुनगुन का ये सपना पूरा करने के लिए हम एक तिगड़म बिठाए जिससे सुमित बाबा की विश भी पूरी हो जाएगी और गुनगुन बिटिया सुपर हीरो से मिल भी। सोच तो बढ़िया है, तो कहा हम ये जान सकते हैं कि आपकी तेज दिमाग ने का खुराफात सोची है? सब कुछ बता दे तुम्हें, सब कुछ जानना होता है तुमको, अम्मा तुम्हें चपर चपर बंद करोगी तभी तो कुछ बता पाएंगे तुमको। अरे हम जो कपड़ा खरीदे है ना वो लिए हैं फुल साइज, और शंकर को बोले वो कपड़ा पहन के हमारे घर पे आ जाए। अब का है ना वो सुपर हीरो वीरो कुछ तो होता नहीं है, और सुपर हीरो अपने चेहरे के सामने मुखौटा लगाता है, मार्क्स नहीं का कहते नकाब, नकाब नकाब। हाँ तो गुनगुन बिटिया उनको पहचानेगी नहीं, वो बोलेगा सच में सुपर हीरो से मिलना, और भी खुश गुनगुन भी खुश। तिगड़म तो अच्छा भिड़ा है वो, लेकिन एक बात बताओ तुम्हारा वो गवार शंकर ये सब कर लेगा? उनको पता भी है कि सुपर हीरो कैसा उठता है, चलता है, फिरता है, बोलता है? तुम्हें शंकर से क्या तकलीफ है, और काहे नहीं कर पाएगा, तुम्हें पागल समझे हो का? शंकर को हम जो है उस सिनेमा देखने भेजे हैं, और उनको बोला है कि एक ही सिनेमा जो है एक के बाद एक दो ही बार देखे, उससे क्या होगा उनको उस सुपर हीरो का करता है का नहीं करता, कैसा कूदता है, कैसा बैठता है, कैसा फांदता है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो स्पाइडरमैन है ना, स्पाइडरमैन उनका सिनेमा लगा हुआ है, वही भेजे हूँ। स्पाइडरमैन वही ना जो मकड़ी का जाला उला फेंकता है? तुम भी बहुत कार्टून बिटून देखती हो, बचपना गया नहीं तुम्हारा, सब समझ रहे हम। अरे हमारे भोले भंडारी शाम को गुनगुन हमारे टीवी पर ही तो देखती है स्पाइडरमैन, हम देखे हैं सारा वो जो करतब उड़तब करता है ना सब देखे हैं, वो मकड़ी का जाला उला फेंक करके गुंडन लोगों को अपने चंगुल में फंसाता है। तुम चिंता मत करो, 2 मिनट में पकड़ा जाएगा तुम्हारा वो शंकर। अम्मा तुम अच्छी बात नहीं कर सकती तो मुंह बंद रखा करो, काहे पकड़ा जाएगा? तू हमारे घर पे भजन कीर्तन करने आ रहेगा, उनको हम बोले हैं कि भैया 5-10 मिनट के लिए आना, अपना कूदा पादी करना और जाके गुनगुन बिटिया खुश करके निकल जाना, और तुम हो कि मतलब मुंह से कुछ बुरा बोलना ही होता है तुमको। समझ गए, आपको कौनों से ठीक बात बोलना जो है बेकार है, ठीक है आप न्योता देंगे तो हम नौटंकी देखने पहुंच जाएंगे, रोज तो बिना न्योते के वैसे भी देखते तुम्हारी नौटंकी हम। नौटंकी? हमारी नौटंकी? हम काहे की नौटंकी करते?
अरे बताओ का ही खिखला के का दांत दिखा रहे हो, का नौटंकी करते हो? वो हम बाद में बताएंगे, भी जाओ, हमारा धंधे का समय हो रहा है। आ, तुम्हारे धंधे का वक्त हो रहा, हम का इधर गोबर गणेश बैठे है का? अच्छा सुनो, ये बात गुनगुन को बताना मत, हम अंग्रेजी में कहा कहते हैं उनको, तुम सरप्राइज देना चाहते हैं, हम अचानक से चौंका देंगे उनको, और तुमको न्योता नहीं दे रहे हम, समझी? अब तुम इतना झूठ रही हो तो कहाँ जाएंगे? आ जाएंगे, पोकट के नाटक है इन लोग के। नमस्ते मैडम। हाँ हीरा, कैसे हो? हमारी गुड़िया रानी कैसी है? मैडम जी हम बिल्कुल ठीक है, गुनगुन बिटिया भी ठीक है, हम उनके स्कूल के बाहर ही खड़े मैडम। अच्छा हीरा, मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि क्या स्कूल से लाते वक्त गुनगुन को तुम हमसे मिलाने के लिए ला सकते हो? हाँ मैडम जी, ये भी कोई पूछने की बात है, हम बिल्कुल ले आएंगे। बहुत अच्छा, ठीक है तो हम इंतजार करेंगे घर पे। अच्छा जादू की बुढ़िया, इतने दिनों से आंटी की याद नहीं आई? चलो आओ अंदर बैठो। कैसे हो हीरालाल? आंटी इस सैंडविच खा के तो मेरा पेट भर गया। अच्छा तो आपको जब भी ऐसा सैंडविच खाना हो पापा से कहना कि मीना आंटी के घर चलो, ठीक है? क्या बोलोगे? मीना आंटी के घर जाना, यम्मी यम्मी सैंडविच खाने। बिल्कुल ठीक। अच्छा मैडम जी, आप हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। अरे अभी तो आए हो, थोड़ी देर के लिए रुको। वो मैडम जी थोड़ा काम था, हम सोच रहे थे कि निपटा लें, हम फिर आ जाएंगे। अच्छा दो मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। अभी तो तुम्हारा पेट भर गया था, बस करो। ये कुछ कपड़े और खिलौने लेके आई थी मैं गुनगुन के लिए। मैडम जी हम ये नहीं ले पाएंगे। अरे तुम्हारे लिए नहीं, गुनगुन के लिए। हम जानते हैं मैडम जी, लेकिन आपका हम पर पहले ही बहुत ज्यादा एहसान है, हम ये सब। अरे कुछ नहीं है गुनगुन बेटा, आपको नई नई फ्रॉक्स पसंद है? हाँ, बहुत अच्छी लगती है। तो पापा को ले ले। मैडम जी तो बच्ची है, इसको उतनी समझ नहीं है, आप समझिए ना मैडम जी, हम नहीं ले पाएंगे। हीरालाल परसों सुमित का बर्थडे है। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, बहुत शौक था बर्थडे पे नए कपड़े पहनने का। आज वो नहीं है, लेकिन गुनगुन भी मेरे लिए सुमित से कम नहीं है। तो क्या तुम मुझे मेरे सुमित को गिफ्ट देने का हक भी नहीं दोगे? अरे नहीं नहीं मैडम जी, आप हमें और शर्मिंदा मत कीजिए, हमारा जितना हक गुनगुन पे है उससे कहीं ज्यादा आपका है मैडम जी। आप इसको जो चंद देना चाहे आप दीजिए, हम आपको नहीं रोके। बेटी आप दीजिए। मैडम जी आपसे एक दरख्वास्त करनी है, अब परसों आप हमारे घर आ सकती हैं क्या? परसों? हाँ क्यों नहीं, कुछ खास बात? नहीं नहीं मैडम जी, काफी दिनों से सोच रहे थे कि आपको घर खाने पे बुलाएंगे, अगर आप आएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हाँ जरूर, वैसे भी हमें तो गुनगुन से मिलने का बहाना चाहिए। फिर ठीक है मैडम जी, हम परसों आपसे मिलेंगे, अभी जानते हैं। ओके गुनगुन बेटा, बाय बाय। थैंक यू। मोस्ट वेलकम।
हाँ बिटिया सुन रहे हैं, हमारा कानपुर जो है तुम्हारी तरफ ही है, बताओ पापा तो सुपर हीरो कब मिलने आएगा? आएगा मुझे जल्दी मिलने आएगा। जल्दी मतलब आज? अरे आज कैसे आएगा, तुमको भी तो काम धंधा होता है, अपनी नौकरी वोकरी छोड़ के तुमसे मिलना थोड़ा आ जाएगा। पापा, अरे पापा सुनो। आप ये सुन रहे हैं ना, बोलो। तो बहुत बढ़िया बात बताई तुमने हमको है? हम राजा मित्रदेव से बात करते हैं, उनको कहते हैं कि सुमित बाबा का जिस दिन जन्मदिन है ना उसी दिन सुपर हीरो का तुम्हारे पास भेज, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और तुम भी खुश हो जाओगे।